कोरोना के बाद जीवन शैली लगभग बदल सी गई है और लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, ऐसा ना हो कि लोग जो है कोरोना के जाने के बाद उस जीवन शैली को छोड़ दें, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद को लोगों ने अपनाया तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक दिनचर्या को, अध्यात्म को भी लोगों ने अपने जीवन में शामिल किया और इसी जागरूकता के लिए यहाँ गीता जयंती महोत्सव में संत श्री आसाराम बापू के सानिध्य में यहाँ पर एक आप देख रहे हैं प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, यहाँ पर रामा भाई मौजूद हैं। यहाँ पर रामा जी, किस तरह से मैं देख रही थी कि यहाँ पर नैतिक मूल्यों से लेकर और कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं बिना किसी दवाई का प्रयोग किए, तो क्या कुछ आप यहाँ खास लेकर आए हैं? हाँ जी, सही बात है आपकी। अभी पिछले 2 वर्ष जो कोरोना काल गया है तो उसने एक अच्छे से पूरा सबक सिखा दिया है कि आप उस परम शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। एक अदृश्य वायरस जो है वो मौत का कारण बन सकता है, तो उस कारण से हम अपने को स्वस्थ कैसे रखें, हाँ मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, तो उसके लिए बापूजी बताते हैं कि अपने जीवन में जैविक घड़ी, जो कि हमारी एक सनातन संस्कृति और सनातन हमारे पूर्वजों के द्वारा वो प्रक्रिया अपनाई जाती थी। जैविक घड़ी शायद यही मेरे को नजर आ रही है। ये जैविक घड़ी में जैसे बताया है कि 3 से 5 आपको प्राणायाम कर लेना चाहिए जी। सुबह 7 से 9 आपको कुछ ना कुछ जूस या दूध कुछ भी आपको पी लेना चाहिए। सुबह 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय में आपकी ये जीवनी शक्ति उसमें होती है, तो अग्नाशय में होती है इसलिए भोजन करना चाहिए। हृदय में तो भगवान का भजन हो इसलिए 11 से 1 में भगवान का भजन किया है। 1 से 3 कोई ना कोई लिक्विड पदार्थ पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे किडनी हमारी मजबूत रहेगी। और दोपहर 3 से 5 हमारे गुर्दे में होती है, तो उसको भी स्वस्थ रख सकते हैं। शाम का भोजन जो कि सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए 5 से 7, तो वो भी उसमें दिया हुआ है। हमारी जीवनी शक्ति उस केंद्र में होती है। रात्रि 7 से 9 के बीच में कुछ भी पढ़ेंगे तो पढ़ा हुआ याद रहेगा। उसके बाद रात्रि 9 से 11 भगवान का ध्यान करके सो जाना चाहिए, मेरु रज्जु में वो जीवनी शक्ति होती है। और रात्रि 11 से 1 के बीच में पित्ताशय में होती है, और रात्रि 1 से 3 के बीच में यकृत लीवर में होती है। तो इसी विधि से अगर हम अपनी दैनिक दिनचर्या को अपनाएंगे तो कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु जीवन हम जिएंगे। दूसरी बात, नैतिकता का पतन जो आपने बताया बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज इंटरनेट और मोबाइल का समय है, बच्चे बिल्कुल इस तरीके से लत लग चुकी है। किसी को शराब की लत लगती है, किसी को जुआ की लत लगती है, ऐसी बच्चों को आज जो है मोबाइल की लत लग चुकी है। 90% बच्चे हैं वो बिल्कुल मोबाइल के बिना रह नहीं सकते, तो उससे कैसे निजात पाएं, उसके लिए बापूजी ने कहा बच्चों को बचपन से ही दिव्य संस्कार दिए जाएं, उसके लिए ये पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है बाल संस्कार के माध्यम से। तो बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार हो भारतीय संस्कृति के बारे में, चूँकि गीता महोत्सव चल रहा है, गीता का ज्ञान बच्चों के अंदर आना चाहिए। आज बच्चे हैं फिल्मों के गाने तो याद रखते हैं लेकिन गीता के श्लोक उनको कंठस्थ नहीं है, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में बच्चों को पता चले, गीता का ज्ञान उनके भी जीवन में आए, इसलिए प्रदर्शनी बाल संस्कार प्रदर्शनी बापूजी। सरकारी या निजी अस्पतालों में बहुत लंबी कतारों के रूप में देखी जा सकती है, और आप भी यदि उस कतार का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर इस स्टॉल पर ज़रूर आएँ, ताकि आप भी इस स्वस्थ जीवन के टाइम टेबल का आत्मसात अपने जीवन में कर सकें और एक स्वस्थ जीवन को जी सकें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। और देखिए, ये स्वस्थ जीवन का टाइम टेबल है और कैसे लोग यहाँ पर इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर स्टॉल का अवलोकन करने आई हुई है, क्या नाम है मैम आप? दिव्या नाम है मेरा जी। ये मैं देख रही थी कि ये बड़ा अद्भुत सा टाइम टेबल मैंने देखा, लोगों को पता ही नहीं है कि किस वक्त पर क्या खाना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर को मोटी मोटी फीस देते हैं, क्या आपने यहाँ आकर पाया? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सबको गीता महोत्सव में आए हैं, सबके अलग अलग स्टॉल लगे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षक लगा यहाँ पे संत श्री आसाराम जी बापू का स्टॉल, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है उसका प्रचार बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे जैविक घड़ी बताई है, ये देख के मैं भी हैरान हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और मेरी नाइट शिफ्ट रहती है, तो हमारे दिन रात का कुछ अता पता नहीं रहता, पर यहाँ जैविक घड़ी मुझे देख के समझ में आया कि अगर किस टाइम पे हम क्या करेंगे हम स्वस्थ रहेंगे। शायद यही रीज़न है आज बीमारियाँ इतनी बढ़ गई, क्योंकि सबको किसी को पता ही नहीं है कब हमें खाना खाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि
11 से 1 के बीच में ध्यान भजन करना चाहिए, पर हम लोग का जो खाने का टाइम है वो 1 बजे के बाद का ही होता है, क्योंकि हम सो के ही उठते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखने को मिली, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी वहाँ पे जो आचार्य जी बोल रहे थे कि किस तरह से बच्चों को संस्कारित करना बहुत ज़रूरी है, और मैं देख के यहाँ पे बहुत मुझे एक खुशी सी और बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे प्राणायाम कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं बाल संस्कार के माध्यम से। बापू जी ने इतने संस्कार बच्चों को दे दिए हैं ताकि बच्चे मोबाइल से हट के अपनी संस्कृति को समझे। और ये स्टॉल पे इतनी सारी चीज़ें देख के एक मन प्रफुल्लित सा होता है कि एक जो संत जो इतने सालों से जेल में है, जिस पे आरोप अभी तक कोई सिद्ध भी नहीं हुआ है, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बस एक लड़की के कहने पे उसको बेल भी नहीं दी गई है, 10 साल से वो आज जेल में है, उसकी इसके बारे में जो 55 साल से 20 साल से जो मुझे पता लगा 50 साल से बापू जी सेवा कार्य कर रहे हैं, उनके महिला उत्थान मंडल हैं, उनके बाल संस्कार केंद्र हैं, युवा सेवा संघ है जो उन्नत कर रहे हैं समाज को, आज वो जेल में है संत, ये कार्यक्रम मीडिया क्यों नहीं दिखाती है, उनके इन सेवा कार्यों के बारे में मीडिया क्यों बात नहीं करती है। तो हम सबको एकजुट होना होगा, इन संत के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ हमें उठानी होगी, और हम लोगों को इन सब के माध्यम से, इन स्टॉलों के माध्यम से अपनी संस्कृति की और अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी और युवाओं को भी जागृत होना होगा। और मैं पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरह से सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं जो आजकल मीडिया नहीं करती, क्योंकि जो मीडिया है वो सबको पता है कि नेगेटिव ज़्यादा मतलब दिखाती है, पर पंजाब केसरी को अच्छा लगा मुझे देख के कि एक ऐसा मीडिया है जो यहाँ पे संस्कृति का प्रचार करने के लिए आया है और सब स्टॉलों में जा के सबका वक्तव्य ले रहा है। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।